बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। और मैं सूरज राज, और आज किस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र बीएससी सेकंड सेमेस्टर में है, बॉटनी का पेपर की बात करने वाला हूं। और उन सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि आपका एक पेपर होने वाला है अभी हाल ही में बॉटनी, जिनका भी सेकेंड सेमेस्टर में, मतलब कह सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है और सेकेंड सेमेस्टर में आपका पेपर होने वाला है अभी हाल ही में, और आप बहुत परेशान हैं मैं कौन कौन से क्वेश्चन को पढूं, एग्ज़ाम मेरे पास में है। क्योंकि आपको देखिए, मैंने आपसे बोलता हूं कि 2 दिन पढ़कर आप ला सकते हैं 70% प्लस, और यदि आप, मैंने आपसे 3 से 4 महीने पहले पेपर जो डालता हूँ मैं, लगभग मैं भाई 18, 19 या 21 क्वेश्चन लगभग डालता हूँ, उन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आपको मिलता है 85% प्लस। आप 2 दिन पढ़कर ही आप पास हो सकते हैं बहुत अच्छे नंबर से। तो आपको सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, दोस्तों को शेयर करना होगा। आप इसके नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं जिन छात्रों के एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहले हमारी वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, paperhacker.in। तो इस तरीके से देखिए, ये हमारी वेबसाइट है paperhacker.in, ध्यान से देख लीजिए। इस तरीके से वो खुलेगी। खुलने के बाद में आप थोड़े से नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद में आपको यहाँ मिलेगा, जैसे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप यहाँ जिस स्टेट की यूनिवर्सिटी से हैं आप वहाँ टच करके अपना सारा ब्यौरा देख सकते हैं। और नीचे हम जाएंगे, जैसे कि आप मान लीजिए बीएससी सेकंड सेमेस्टर में है, तो आप यहाँ टच करिए, यहाँ आपको सारे नोट्स मिलेंगे। आप जैसे कि बीए सेकंड सेमेस्टर में, तो आप यहाँ टच करिए, ऐसे ही आप बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में, तो आप यहाँ टच करिए, सारे नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे कि जो कंपलसरी नोट्स हैं वो कंपलसरी नोट्स मिलेंगे, और जो एड्स आए उसको क्लोज कर देना। और थोड़े से नीचे जाने के बाद में आपको यहाँ देखिए जूलॉजी का नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ, यहाँ आपको बॉटनी का नोट्स मिल जाएगा, यहाँ आपको केमिस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा, यहाँ आपको फिजिक्स का नोट्स मिल जाएगा, और मैथ का नोट्स अभी हमने नहीं बनाया है, तो बन जाएगा बहुत ही जल्दी। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट एंड देखो फर्स्ट एड एंड फूड, मतलब जो हेल्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाते हैं यहाँ बिल्कुल आसानी से। यदि आप एमसीक्यू क्वेश्चनों के छात्र हैं और एमसीक्यू की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है जूलॉजी एमसीक्यू, यहाँ लिखा है मैथ एमसीक्यू, यहाँ लिखा है केमिस्ट्री एमसीक्यू, यहाँ लिखा है फिजिक्स एमसीक्यू, यहाँ लिखा है बॉटनी एमसीक्यू। जिसका स्टूडेंट हो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आसानी से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और टेलीग्राम पर जाकर आप फ्री में हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। आप देखिए, हम सारी सुविधाएं आपको दे रहे हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर हो जाइए, क्योंकि वहां आपको लिंक आपको मिलते रहते हैं, जो आपको फ्री वाले नोट्स आपको वहां प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फ़र्क इतना होता है, जो हम लोग फ्री वाले जो नोट्स प्रोवाइड कराते हैं वो थोड़े लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, और जो हम पेड वाले जो कराते हैं, पेड जो कोर्स के थ्रू हम जो पेड वाले जो आप कह सकते हैं, जो हमारी पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे, उसमें थोड़ा शॉर्ट में आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, बस इतना फ़र्क होता है, बाकी सब कुछ वही होता है, ठीक है। तो ये है हमारा कुछ कहने का तरीका, बाकी हम बात करते हैं आज 2 दिन पहले हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं 70% प्लस की बारे बात करेंगे। मेरठ यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप, बस यही पढ़ के जाइए, बाकी आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। तो ये है, देखियो यहाँ रिक्सिया, रिक्सिया के जीवन साइकिल के बारे में और उसका चरित्र बता देना है, मतलब कि आपको संचित्र वर्णन करना है, मतलब कि आपको उसको चित्र बनाना होगा, किसका, रिक्सिया का, कि उसका लाइफ साइकिल के बारे में चित्र बनाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लॉन्ग में फंसेगा, आप शॉर्ट और लॉन्ग की चिंता मत करना, ठीक है। और जिनके एमसी को क्वेश्चन है वो हमारी पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लें। ये है देखो, मार्क्सिया के जीवन चक्र, उनका संक्षिप्त वर्णन, इसको भी आप, मार्क्सिया का जीवन चक्र आपको बताना है, और वो भी लाइफ साइकिल पूरा करना है, और साथ ही साथ आपको संचित्र, चित्र की सहायता से आपको पूरा वर्णन करना है, ठीक है, वो भी चित्र की सहायता से आपको पूरा वर्णन करना है, ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी लोग। चलो उसके बाद में आपको क्या है, यहाँ देखो, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन को आप, जो हॉर्न बर्ड की बात करें तो हॉर्न बर्ड का लाइफ साइकिल पूछा गया है, तो ये भी आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ के लाइफ साइकिल परमानेंटली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लाइफ साइकिल के, जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन करना होगा। उसके बाद में एक नीचे हम आपको दिखा रहे हैं, जो है बायो, जैसे कह सकते हैं ब्रोफाइटा कह सकते हैं, उनके उनमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वर्धी जो जनन होते हैं, गैमी, देखो गैमी और गैमा कप, ये जो दो देख रहे हैं ना, गैमी और गैमा कप, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन शॉर्ट में बनता है, इसको आप याद पढ़ के जाइएगा। दूसरा है राइनिया का, राइनिया के जो जो काइकिन प्रजनन तंत्र होता है, उनकी खोजकर्ता कौन थे, उनकी भाषा रचना के बारे में पढ़ के जाएंगे, ठीक है। एक ये क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, जिसे कहते हैं विषम बिजोड़ता क्या है, उसके महत्व, और बीज का स्वभाव, सीड हैबिट क्या होता है,
ये पढ़ के, और आइकस और साइकस जो होता है, साइकस ठीक है, तो एक होता है साइकस, साइकस के जो कह सकते हैं पर्णक होते हैं उनके आंतरिक संरचना, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर आपको देना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लीफलेट जो होता है उसके साइकस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है, ये हो गया। उसके बाद में आता है, एक होता है पाइनस के पत्ती के अनुप्रस्थ, मतलब पाइनस की पत्ती कैसे देखने को मिलती है। ये सारी हमने वीडियोस जो है ना, इन क्वेश्चनों के आंसर हमने वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं। वीडियो आप हमारी देख लो, वीडियो प्लेलिस्ट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, आप वीडियो देखना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो हमारी एक जो वेबसाइट है, जैसे कि मान लीजिए ये वेबसाइट है, इसमें आपको क्या है, देखो यहाँ आपको सिंपल दे रखे हैं, यहाँ ये बुकें हैं, ये हमारे नोट्स के लिंक मिल जाएंगे यहाँ, और यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर, यहाँ ध्यान से देखिए, ये देखो लिखा है कि केमिस्ट्री, यहाँ लिखा है सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री प्लेलिस्ट। आप इस पर डॉक्टर केमिस्ट्री की सारी वीडियो दिखाएंगे, जूलॉजी जूलॉजी की यहाँ मिलेंगी, बॉटनी की यहाँ, फिजिक्स की यहाँ, मैथ की यहाँ। जैसे आप बॉटनी के पेपर देने वाले हैं तो बॉटनी के इस बटन पर टच करना है, बॉटनी के इस बटन पर टच करेंगे तो आप देखेंगे खुद बाई खुद कि आपको सारी वीडियोज यहाँ मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और आप थोड़े से नीचे जाएंगे, ब्रियोफाइटा, ब्रियोफाइटा के समान लक्षण, मैंगनेक्शिया क्या होता है, मिंथेस, ठीक है, ये सारी देखो, एकल्स देखो, सब कुछ आपको यहाँ दे रहा है, ठीक है। एक दो और देखो, यहाँ गया रानिया के जीवन चक्र का वर्णन, पूरा सिर्फ 28 मिनट की वीडियो है, इसमें बहुत अच्छी तरीके से एक एक एक्सप्लेन करके समझाया गया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। ये आगे तो प्रोटोवर्म क्या होता है, 27वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये सारी आपको यहाँ आंसर मिल जाएंगे। 21-22 वीडियो पड़ी हुई हैं, आप इन वीडियो को देखकर बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इन सभी वीडियो को एक बार फटाफट देख लीजिए, अभी काफ़ी टाइम है, अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है, समझिए, समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है पुनः वनस्पति कह सकते हैं विज्ञान, पुनर्वनस्पति विज्ञान को हम बायो देखो सॉरी पोलो बॉटनी बोलते हैं, पॉलीबॉटनी बोला जाता है। पॉलीबॉटनी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और जीवाश्म के अध्ययन के बारे में, जीवाश्म क्या होता है यही अध्ययन पूरा क्वेश्चन फंसता है, ये 100% पेपर में फंसेगा, इस क्वेश्चन को आप रट के जाएंगे, जीवाश्म क्या होता है और पूरा वनस्पति विज्ञान, पुनः वनस्पति के बाद पहले की वनस्पति विज्ञान के बारे में, पुराने वनस्पति विज्ञान, तना किसे कहते हैं, तना किसे कहते हैं एक बार इसको, और पुष्पक्रम के बारे में पढ़ लेना, पुष्पक्रम के बारे में, साधारण ऊतक क्या होता है, सिंपल टिश्यू का उसका कार्य क्या होता है ये पढ़ लेना, उसके बाद में जटिल ऊतक क्या होता है, जटिल टिश्यू, ठीक है, और जाइलम क्या होता है, जाइलम को पढ़ लेना, और उसके बाद में होता है पेरिडर्म, पेरिडर्म के बारे में आप पढ़ के, और पेरिडर्म क्या होता है, और कैम्बियम, जो कैम्बियम होता है वो कैम्बियम कैसे तैयार किया जाता है, कैम्बियम का कार्य क्या होता है, ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, ठीक है। और असंगत द्वितीयक वृद्धि मोस्ट इंपोर्टेंट है, असंगत द्वितीयक वृद्धि 100% पेपर में फंसेगी, इसको छाप के जाना, पूरा रट के जाना इसको, ठीक है। और ये एपोमिक्स क्या होता है, इसको आप पढ़ के जाएंगे एपोमिक्स के बारे में, ठीक है, वही बता रहा हूँ तो पेपर में आता है, बहुविधता के बारे में, ये सब शॉर्ट में फंसेंगे, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ सब शॉर्ट में आपको देखने को मिलेंगे। एक ये परागण क्या होता है, और द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और अनिष्फलन क्या होता है, आप इसमें पढ़ के चले जाना, 2022 में 70 नहीं बाकी 85% यहीं से फंसेगा, बस आप टॉपर बनने की लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।